दिल्ली के डिप्टी मेयर आले मोहम्मद भी जंतर मंतर पहुंचे और ये देखिए तस्वीरें, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पहुंच चुके हैं पहलवानों के बीच में समर्थन देने के लिए। और लगातार ये जो सिलसिला है समर्थन मिलने का वो सुबह से हम देख पा रहे हैं। सुबह जब प्रियंका गांधी वाड्रा पहुंची, तमाम अन्य जो नेता हैं कांग्रेस के वो पहुंचे और कांग्रेस के बाद अब बारी है आप पार्टी की। इसी क्रम में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पहुंचे हुए हैं, उनके हाथ में माइक है, संभवतः वो कुछ बोले भी समर्थन में पहलवानों के। और देखिए जंतर मंतर पर अरविंद केजरीवाल के अलावा भी सुशील गुप्ता है, अशोक तंवर है, शैली ओबेरॉय भी मंच पर मौजूद हैं। ये तस्वीरें आपके सामने हम लाइव दिखा रहे हैं, दिल्ली के जंतर मंतर से सीधे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पहुंच चुके हैं। लगातार इन पहलवानों को समर्थन मिल रहा है अलग अलग दलों से, कांग्रेस पार्टी के भी दिग्गज चेहरे पहुंचे थे, साथ ही खाप पंचायतें भी लगातार आ रही हैं। तमाम जो खिलाड़ी और अलग अलग क्षेत्रों के हैं वो भी समर्थन दे रहे हैं। इसके अलावा अब बारी देखिए आम आदमी पार्टी की है, दिल्ली के मुख्यमंत्री स्वयं पहुंचे हैं यहाँ पर समर्थन देने के लिए। और दिल्ली के मुख्यमंत्री के अलावा आम आदमी पार्टी के भी अन्य नेता, और ये देखिए आप देख पा रहे हैं साक्षी मलिक को, और साथ ही बजरंग पुनिया भी इससे पहले पहुंचे थे। और तमाम जो पहलवान हैं जो कि इस पूरे धरने प्रदर्शन को लीड कर रहे हैं वो अब दिल्ली के मुख्यमंत्री के पास में ही मौजूद हैं, वहाँ पर ही खड़े हुए हैं। और अब संभवतः मुख्यमंत्री कुछ बोलेंगे इन सब के समर्थन में। शैली ओबेरॉय हैं, साथ ही अशोक तंवर हैं जो कि अन्य नेता हैं आम आदमी पार्टी के, वो भी पहुंचे हुए हैं फिलहाल दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, और हाथ में माइक बजरंग पुनिया के। भाई, भाई, भाई ऐसा समर्थन नीचे नीचे माताएं भी बैठी है, आप लोग सपोर्ट करने के लिए आए, खराब कर भाई आप लोग प्लीज, सामने सिक्योरिटी की जिम्मेवारी हमारी है, पीछे चले जाइए प्लीज, हम जिम्मेवारी ले रहे हैं, पीछे चले जाइए आप। इसी खबर पर और जानकारी हम लेंगे सहयोगी विनय सिंह से। विनय देखिए लगातार सुबह से ही तमाम नेताओं का यहां पर पहुंचना जारी है, अब दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पहुंचे हुए हैं। अभी तस्वीरें जो हम देख पा रहे हैं वो उनको जरा समझाइए, क्योंकि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के हाथ में पहले माइक था, उसके बाद बजरंग पुनिया ने लिया, कुछ अनाउंसमेंट वो कर रहे हैं, क्या हो रहा है वहां पे? बिल्कुल, दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल अब से थोड़ी देर पहले यहाँ पहुंचे हैं समर्थन देने जंतर मंतर पर खिलाड़ियों को। और चूंकि भीड़ बहुत ज्यादा है, अरविंद केजरीवाल बोलने के लिए जैसे ही माइक पकड़ा तभी, चूंकि भीड़ बहुत ज्यादा है और बजरंग पुनिया ने सबको शांति बनाए रखने के लिए और व्यवस्था बनाए रखने के लिए अपील की है, और वही अपील अभी फिलहाल बजरंग पुनिया सभी जो यहाँ पे समर्थन देने आए हैं उनसे कह रहे हैं कि शांति बनाए रखें, क्योंकि अरविंद केजरीवाल अपनी बात रखना चाह रहे हैं। और लगातार चूंकि भीड़ बहुत ज्यादा है और सबको कहा जा रहा है कि व्यवस्था बनाए रखें ताकि अरविंद केजरीवाल की बात सुन सकें, और नीचे बैठने के लिए सबको कहा जा रहा है ताकि किसी को दिक्कत ना हो यहाँ पे अरविंद केजरीवाल जब बोलेंगे उनका भाषण सुनने के लिए। अब से थोड़ी ही देर में अरविंद केजरीवाल अपनी बात यहाँ खिलाड़ियों के समर्थन में रखेंगे। अरविंद केजरीवाल के साथ दिल्ली की मेयर शैली ओबेरॉय, दिल्ली के डिप्टी मेयर आले मोहम्मद, और साथ ही साथ आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद और हरियाणा प्रभारी सुशील गुप्ता, और हरियाणा आम आदमी पार्टी खिलाड़ी जिन्होंने पूरी दुनिया के अंदर
भारत का नाम रोशन किया था। आज पिछले एक हफ्ते से जंतर मंतर पे एक हफ्ते से प्रदर्शन कर रहे हैं। क्यों प्रदर्शन कर रहे हैं? क्योंकि इनकी पार्टी के किसी बड़े नेता ने हमारे देश का नाम रोशन करने वाली लड़कियों को हमारी बहनों के साथ दुर्व्यवहार किया, गलत काम किया। वैसे तो हमारे देश की किसी भी लड़की के साथ, हमारे देश की किसी भी बहन के साथ, हमारे देश की किसी भी महिला के साथ अगर कोई गलत काम हो, उस व्यक्ति को तुरंत पकड़ के सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए, फांसी पर लटका देना चाहिए उसको। के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सुन रहे थे आप, जो कि समर्थन में अपनी बातें रख रहे हैं जंतर मंतर पर पहुंचकर।